एशिया कप शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से होने वाला है और इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण पूरे एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी वही तेज गेंदबाज है जिसने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को आउट कर भारत को शिकस्त देने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल शाहीन शाह अफरीदी को पिछले महीने गोवा में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते वक्त घुटने में चोट लग गई थी। शाहीन शाह अफरीदी उस चोट से अभी तक नहीं उभर पाए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी को 6 हफ्ते का आराम करने की सलाह दी गई है। शाहीन शाह अफरीदी अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शाहीन शाह अफरीदी के न होने से क्या पाकिस्तान की टीम कमजोर पड़ जाएगी और भारत इस मुकाबले को आसानी से जीत पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।